हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप? स्टॉक पॉइंट में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बाइनरी ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आज हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करेंगे। तो उसके लिए मैं ओलंपियाड यूज कर रहा हूँ। तो अगर आपको भी ट्रेडिंग करना है, फॉरेक्स ट्रेडिंग, तो आप भी इसमें कर सकते हो या आप किसी और में भी कर सकते हो, वो कोई इश्यू नहीं है। तो उसके लिए अगर आपको ट्रेड करना है तो यहाँ पर मैं आपके लिए पेयर खोल लेता हूँ, तो थोड़ा सा वेट कर लो। अगर आपको भी जैसे इसके अंदर ट्रेडिंग करना है तो यहाँ पर एक फॉरेक्स का ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके अंदर जाकर ये फॉरेक्स का जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर पेयर खुल जाएंगे। तो आपको जिस भी पेयर में ट्रेडिंग करना है, डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, जो भी करना है, तो आप इसके अंदर कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एक सेल साइड की अपॉर्चुनिटी बनाई। इन्वेस्टमेंट मेरा इसके अंदर 1500 रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट है और मेरा जो एसएलए वो इस लेवल के ऊपर है। ठीक है, मैंने यहाँ से एंट्री बनाई है। थोड़ा बहुत चार्जेस शुरू में कट गया है तो लॉस स्टार्टिंग में यहीं से मुझे बताने लग गया था, 250 के आसपास लॉस बता रहा था मेरा। तो इसमें यही होता है कि अगर जैसे आप ट्रेडिंग करोगे तो शुरू में ही लॉस बताने लग जाएगा चार्जेस के तौर पर। मेरा टारगेट जो है वो इस लेवल के आसपास है। तो ठीक है, मैं सब कुछ आपको आराम से बता दूंगा। तो मैं आपको अपनी एनालिसिस भी बता देता हूँ। अगर आप ट्रेंड की बात करोगे तो ट्रेंड डाउन चल रहा था, यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट देखने को मिला था हमें। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट की एक ट्रेंड लाइन जा रही है जिसको मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, और यहाँ से ऑलरेडी सेलर्स स्ट्रॉन्गली आ चुके थे जो यहाँ तक आए थे। तो मेरे हिसाब से ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद फेक ब्रेकआउट भी हुआ था इस जगह पर। तो यहाँ से मार्केट ने जब यह ट्रेंड लाइन ब्रेक करी है तो इतना नीचे तक आ सकता है। तो मेरा टारगेट, इसलिए यहाँ तक मैंने अपना टारगेट रखा 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, ये पूरी एनालिसिस करी हुई। तो ठीक है, वेट करते हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर मार्केट ऑलरेडी अच्छा खासा नीचे की तरफ आ चुका है। ठीक है, और मैं अपना ओलंपियाड में भी आपको बता देता हूँ कि क्या मेरा प्रॉफिट और लॉस चल रहा है। जरा सा वेट कर लीजिए। तो अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पर ट्रेड के अंदर जाने के बाद आपको बता देता हूँ, यहाँ पर अभी मेरा 1700 के आसपास इसके अंदर प्रॉफिट चल रहा है मेरा। ठीक है, लेकिन टारगेट हम और लंबा लेंगे। फिलहाल के दौर में इस जगह पर एक रिजेक्शन एरिया भी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ऑलरेडी एक रिजेक्शन है, मैं लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ जहां से बायर्स भी आए थे। तो ये ब्रेक करते तो ज्यादा अच्छी बात है। तो वेट करेंगे। तो ठीक है, मार्केट ने सारे लेवल को ब्रेक कर दिया है और हमारे टारगेट के पास भी आ चुका है। तो इसी तरह से आपको भी एनालिसिस करना चाहिए। तो मैंने अपना एसएल जो है उसको भी मॉडिफाई कर दिया। अगर आप देखोगे तो मैंने अपना एसएल जो है 2857 के पास में रख दिया। अब मेरा अगर लॉस भी होगा तो कम से कम 2857 यहाँ से प्रॉफिट लेके जाऊंगा। फिलहाल के दौर में अभी हमारा प्रॉफिट चल रहा है 3500 के आसपास का, यहाँ पर अभी हमारा प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, मैंने अपना एसएल को भी थोड़ा, मतलब जो टारगेट है वो भी सोच रहा हूँ कि अब अपना जो टारगेट है उसको भी मॉडिफाई करता रहूंगा और एसएल है उसको भी मॉडिफाई करता रहूंगा। तो यहाँ टारगेट के करीब आ चुका है तो मैं अपना टारगेट और बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो ये 4000 के आसपास कर दिया, एसएल को और नीचे लेके आ जाते हैं हमारे। तो यहाँ पर अगर देखोगे थोड़ा सा यहाँ पर एसएल दिक्कत दे रहा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपने एसएल को भी मॉडिफाई कर दिया है। यहाँ पर अब हम 3600 के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पर लेके जाएंगे। मैंने पूरा अपने एसएल को भी मॉडिफाई कर दिया और टारगेट को भी और नीचे ले गया हूँ। अगर आप देखोगे तो मैंने अपने टारगेट को भी नीचे कर दिया है। तो कम से कम जितना होगा हम अब मॉडिफाई करते करते लेंगे, तो जितना हो सकेगा उतना टारगेट लेने की कोशिश करेंगे। या तो जो हमारा एसएल है अब 3600 के आसपास का, वो एसएल भी हिट हो जाएगा तो हम इतना प्रॉफिट, लेकिन अब हम लॉस में नहीं रहेंगे, हम इतना प्रॉफिट लेके जाएंगे, 3600 का प्रॉफिट लेके जाएंगे। और मॉडिफाई कर देता हूँ मैं, तो मैंने और मॉडिफाई कर दिया, 3700 के आसपास का मॉडिफाई कर दिया अपना। तो अब हम, हमारा कम से कम इतना प्रॉफिट हो गई होगा, 3700 के आसपास का हमारा यहाँ पर प्रॉफिट हो गई, और अगर टारगेट मैंने और नीचे लग कर दिया है तो वेट करेंगे। अब इसी तरह से हमें चलना पड़ेगा यहाँ पर मॉडिफाई करते करते। तो जितना हो सकेगा उतना टारगेट बुक करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि और भी लंबा टारगेट मिल जाए तो अच्छी बात है। अगर नहीं भी मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, इतना हमारा प्रॉफिट मिल रहा है, इतने कम इन्वेस्टमेंट में इतना प्रॉफिट भी अच्छी बात है। ठीक है, तो जिसको इसमें भी अकाउंट बनाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मैंने दे रखी है, तो आप जाकर वहां पर अकाउंट बना भी सकते हो। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, पेज पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। और इसी तरह की अगर आपको वीडियो चाहिए फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर भी आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना, तो मैं कोशिश करूंगा वीक में एक या दो बार वीडियो डालने की कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है, तो ये वीडियो वैसे मैं कल अपलोड करूंगा, तो कल तो सैटरडे रहेगा, तो देखते हैं।
अब मार्केट फिलहाल के दौर में यहाँ पर कैंडल ऊपर की तरफ आ रही है, लेकिन हमारा अब यहाँ पर ठीक है, अभी प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 3900 के आसपास इसका अंदर प्रॉफिट चल रहा है, और एसएल जो है हमारा पूरा मॉडिफाई है, 3600 के आसपास का यहाँ पर एसएल मॉडिफाई है, क्योंकि वो मॉडिफाई नहीं हो रहा, मैं और नीचे कोशिश कर रहा हूँ इसको नीचे ले जाने की, लेकिन वो शायद और नीचे नहीं आ पा रहा है, तो शायद हो सकता है कि कैंडल जब नीचे आए, जब ये एसएल हमारा और भी नीचे आ जाए, लेकिन अभी फिलहाल के दौर में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नीचे लाने का ट्राई कर रहा हूँ मैं, लेकिन नहीं आ पा रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं भी अभी इसके अंदर पहले मतलब अभी ही आज ही ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो फर्स्ट डे ही है, तो इतना इसका भी नॉलेज नहीं है, धीरे धीरे ट्रेडिंग करेंगे तो आइडिया आएगा, क्योंकि इससे पहले मैंने इसको यूज नहीं करा, अकाउंट पहले बना रखा था लेकिन आज तक अभी इसको मैंने यूज नहीं करा, तो एक तरह से मेरा फर्स्ट टाइम ही है, फर्स्ट टाइम ही मैं ट्रेडिंग इसके अंदर कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा बहुत मॉडिफाई करने में मुझे इतना दिक्कत आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी ये हमने फर्स्ट टाइम इसको यूज कर रहे हैं और अच्छा प्रॉफिट उसमें बना रहे, तो वेट करते हैं फिलहाल के दौर में, देखते हैं नीचे आ जाएगा तो लंबा टारगेट भी मिल सकता है, नहीं तो हमारा प्रॉफिट तो पता ही है कि इतना प्रॉफिट तो कम से कम इतना प्रॉफिट तो हमारा होगा ही होगा, 3600 के आसपास का प्रॉफिट तो हो ही चुका है हमारा इसके अंदर, और भी अगर कोशिश करेंगे कैंडल नीचे आएगी, अगर बाय चांस ऐसे लेट होता तो कोई दिक्कत नहीं है ले लेंगे, अगर कैंडल नीचे आती है तो और मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे, तो जितना हो सके उतना प्रॉफिट लेंगे, ठीक है, तो वेट करते हैं देखते क्या होता है, रिजेक्शन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे एसएल के करीब आ चुका है, लेकिन अभी तक एसएल हिट नहीं हुआ, ठीक है, कट तो जाना चाहिए था वैसे इसको अभी तक, ठीक है कट गया है यहाँ पर, तो देख सकते हो हमने यहाँ पर कितना प्रॉफिट बुक करा है, 3747 के आसपास का हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुक करा है, और कितनी इन्वेस्टमेंट में हमने ये प्रॉफिट करा था, 1520 रुपए के आसपास की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करी थी, जिसमें हमने 3747 का प्रॉफिट करा है, तो ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, पेज पे नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना, और इसी तरह से अगर आपको वीडियो चाहिए फॉरेक्स के रिलेटिव भी तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ताकि मैं वीक में एक या दो बार इसकी वीडियो भी अपलोड करता रहूंगा, तो ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, तो मैं यहाँ पे पेज को भी आपको रिफ्रेश करके बता देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा रियल और डेमो अकाउंट है, ठीक है, और यहाँ पे मैं पेज को भी रिफ्रेश कर देता हूँ, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने पेज को भी रिफ्रेश कर दिया, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पेज को भी रिफ्रेश कर दिया है, रियल डेमो अकाउंट भी आपको बता दिया है, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना।